अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे थंबनेल कैसे बनाते हैं, थंबनेल की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। जब हमारा यूट्यूब चैनल होता है उस जगह पर हमें थंबनेल बनाना ज़रूरी होता है, थंबनेल लगाना भी ज़रूरी होता है। तो थंबनेल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम ये ऐप लोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं पिक्सल लैब, ये ऐप है हमारा, और ये जब हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से खुल जाता है। तो प्ले स्टोर में अगर आपको देखना है तो चलिए प्ले स्टोर में हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, और आप यहाँ पर ये लिखे पिक्सल लैब और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का इसका आइकन है, ये ऐप है, और इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम इस आइकन पे जाते हैं, आप देख सकते हैं इस पर गए और हम यहाँ टच करेंगे। टच करने के बाद पहले हम इसका साइज छोटा कर लेंगे और यहाँ पर इमेज साइज इसको टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं लिखा है कस्टम, और यहाँ पर टच करेंगे। टच करने के बाद हमें यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो ये लिखा है यूट्यूब थंबनेल, टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये साइज हमारा छोटा हो गया है थंबनेल के लिए। तो ये इसको एडिट करने के लिए हम इसको टच करेंगे दो बार। दोबारा टच करने के लिए आप ये काट देंगे, और यहाँ पर आपको जो भी थंबनेल के बारे में लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, लिखने के बाद हम यहाँ पर ओके पे टच कर देंगे। टच करने के बाद यहाँ आएंगे और आप देख सकते हैं इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, जो भी आपको साइज में करना है वो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में दिखाऊंगा। सेट करने के बाद यहाँ नीचे जाएंगे, जो ए बना हुआ है इसको टच करेंगे। टच करने के बाद हम साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइज इसको टच करेंगे। टच करने के बाद इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो जो भी हमें चाहिए तो उस साइज का हम इसको कर लेंगे। करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ये कर देंगे, और करने के बाद हम इसको यस पर टच कर देंगे। टच करने के बाद अब हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड, इसको टच करेंगे। टच करने के बाद हम इसको इनेबल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर कलर करेंगे या कुछ भी कर सकते हैं, तो कलर करेंगे। यहाँ ऊपर थोड़ा इसको करेंगे और यहाँ से कलर ले लेंगे, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो हमने ये कलर ले लिया है, उसके बाद यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फॉन्ट लिखा हुआ है इसको हम टच करेंगे, और यहाँ से हम जो भी आपको साइज चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो मैं हमको ये चाहिए, ये कर देंगे, और उसके बाद ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं इसका काफ़ी बदलाव आ गया है इसमें। उसके बाद अब हम इसका इस साइड का भी चेंज करेंगे थोड़ा। उसके बाद हम वापस बैकग्राउंड पे आएंगे और टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ नीचे टच कर देंगे। टच करने के बाद उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, और हम यहाँ पर मल्टी कलर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छा कलर दिख रहा है, तो ये कलर लेंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद अब हम हिंदी पर लिखेंगे और यहाँ आएंगे प्लस पे, यहाँ पर टच कर देंगे। टच करने के बाद आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, इसको हम नीचे लाएंगे और इसको दो बार टच करेंगे, और यहाँ पर हम हिंदी में लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने हिंदी में इसको टाइप कर दिया है, लिख लिया है। और आपको हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखना है वो आप यहाँ पर इसको टच करेंगे, वो आ जाएगा।
गूगल की मदद से आप कर सकते हैं और इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको भी उसी तरीके से हम सेट कर लेंगे जैसे भी ये अच्छा लगेगा। नीचे आएंगे, इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद फिर ऊपर आएंगे, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये हमने कर दिया। इसके बाद हम यस कर देंगे नीचे, और उसके बाद इसका भी बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड पे आएंगे और इसको टिक लगा देंगे, और फिर नीचे आएंगे और यहाँ से कलर जो भी हमें चाहिए वो कलर हम चेक करके वो कलर उठा लेंगे। या ये कलर बेहतर है तो इस कलर को हमने यहाँ पर लगा लिया। लगाने के बाद अब हम इसको 3D में करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप इसको शैडो भी दे सकते हैं। चलिए शैडो देते हैं। थोड़ा आप देख सकते हैं ऊपर का थोड़ा बदलाव आ गया। शैडो देने के बाद कुछ भी आप इसका कलर भी दे सकते हैं, जो भी चाहिए आपको, जैसा भी अच्छा लगता है। तो फिलहाल यही अच्छा है, फिर इस पर आएंगे और इसको भी शैडो दे देंगे। देने के बाद थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, इसको हम छोटा करेंगे। अभी सही है। और हम यहाँ पर एक मोबाइल लगाएंगे और उसके बाद अपना फोटो लगाएंगे जिसका बैकग्राउंड हमने चेंज किया था। तो एक हम मोबाइल लगाएंगे जिसका बैकग्राउंड नहीं होगा, सिर्फ फ्रेम होगा। तो चलिए कैसे लगाते हैं, उसके पहले हम गैलरी में जाएंगे। तो उसके लिए गैलरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस आइकन पे जाएंगे, जो इमेजेस लिखा हुआ है इसको हम टच करेंगे। टच करने के बाद ये हम मोबाइल ले लेंगे और आप देख सकते हैं इसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया था, और यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको ये देखें, अब आ गया है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। पहले इसको सेट कर लें, इसको हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसके ऊपर एक बार और टच करेंगे और ये हट जाएगा। तो ये हमने सेट कर लिया है। इसके बाद अब हम इसके अंदर एक फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद वहीं हम फिर नीचे जाएंगे और एक फ़ोटो निकाल लेंगे, वो फ़ोटो जिसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया था, फ़ोटो इसके अंदर लगाएंगे। ये हमने फ़ोटो ले लिया है और इसको अब हम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से बहुत ही आराम से सेट करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमने इसको सेट कर लिया है बहुत ही आराम से, और ये हम खाली जगह पर कहीं पर टच करेंगे और ये हमारा जो दायरा है ये हट जाएगा। आप देख सकते हैं ये हट गया है। तो अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आप सबसे ऊपर ऊपर जाएंगे और यहाँ मेमोरी का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर टच करेंगे। टच करने के बाद अब हम इसको सेव कर लेंगे, नीचे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे सेव टू गैलरी पर टच करेंगे, और ये थोड़ा एडवर्टाइज आएगा, उसको आप कट कर दें यहाँ से और ये फोटो सेव हो जाएगा। और एक और तरीका है सेव करने के लिए, अगर दोबारा आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको शुरू से नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं पे जाएंगे सेव पर, मेमोरी पर टच करेंगे और आप नीचे वाले पर टच करेंगे, सॉरी नीचे पे नहीं, ये ऊपर ही वाली पे टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर आप इसका जो भी नाम था वो आप डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने लिख लिया है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर टच कर देंगे। अभी गड़बड़ हो गया था कुछ,
ओके बट टच कर देंगे और एक एडवर्टाइज आएगा। हर फोटो आप जैसे भी सेव करेंगे लेकिन एडवर्टाइज एक ज़रूर आता है, उसके बाद यहाँ हम खड़ लगा देंगे और ये हमारा फोटो सेफ हो गया है। तो अब हम बाइक जाएंगे, बाइक जाने के बाद इसी ऐप को फिर से खोलेंगे। खोलने के बाद जितने भी आपने थंबनेल बनाए होंगे आप यहाँ पर नीचे आएंगे और इस आइकन को खोलेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये बना रखा हुआ है। कभी भी इसको आप